वेलकम टू कैप्टन एग्रीसाइंस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में कि हॉर्टिकल्चर का कितना डेटा हमें मिला है 2018-19 में, 2017-18 में, और कितनी वेजिटेबल का प्रोडक्शन हुआ है, कितने फ्रूट्स का प्रोडक्शन हुआ है, कौन कौन से फ्रूट्स का एरिया कितना था, उन सब की बात करने वाले हैं। तो हम मेनली बात करेंगे जो मेन है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जैसा कि आपको पता है हमारी हेडिंग है आज की एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑल इंडिया। आपको पता होगा कि यहाँ से कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे AFO का एग्जाम हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी अभी निकलने वाली है। JET का एग्जाम हो गया, JET, ICAR, BHU, इधर से JRF, PET, AO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बहुत सारे जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के अलावा जो साइंस डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट है, उन सब में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी कभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेबल का कि कौन कौन से वेजिटेबल का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम तीन डेटा की बात करेंगे, 2016-17, 2017-18, 2018 और 19 की। तो हम बात करें वेजिटेबल में अनियन की, प्याज की, तो जो प्याज का जो एरिया था 2016-17 के अंदर के कितने एरिया में प्याज हुआ, मैं यहाँ पे बात करूंगा हेक्टेयर में, आपको याद रखना है हेक्टेयर में, ठीक है। तो 1306 हेक्टेयर में प्याज की खेती हुई थी 2016-17 में, और जो इसका प्रोडक्शन हुआ था 22,427 टन। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसके अंदर, टन के अंदर, तो आपको याद रखना है 22,427 टन इसका प्रोडक्शन हुआ था। वहीं हम बात करें 2017 और 18 में, तो यहाँ पे जो एरिया था वो कम हो गया था, 1,285 हेक्टेयर यहाँ पे हमारे पास जमीन थी, और जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 23,262 टन का। और वहीं हम बात करें 2018 और 19 की, तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 23.28 मिलियन टन का। यहाँ पे मैं मिलियन टन में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बात की थी टन में, जो भी टन में दे रखा है अगर आप उसको मिलियन टन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि एक मिलियन टन में कितने केजी होते हैं। तो एक मिलियन टन बराबर होता है 1000 केजी। अगर आपको इसका टन निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 1000 से, जिसमें आपका इसका टन निकल जाएगा कि कितने टन का प्रोडक्शन हुआ है। वहीं हम बात करें पोटेटो की, आलू की, तो जो आलू का एरिया था 2016 में वो था 2179 हेक्टेयर, और वहीं हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन हुआ था इसका 48,605 टन। और बात करें 2017-18 की, तो जो इसका एरिया था वो था 2142 हेक्टेयर, और प्रोडक्शन 51,310 टन। वहीं हम बात करें 2018-19 में बिल्कुल लेटेस्ट, तो 52.96 मिलियन टन का इसका प्रोडक्शन हुआ है 2018 और 19 के अंदर। बात करें हम टोमेटो की, तो टोमेटो का जो एरिया था 2016-17 में 797 हेक्टेयर था, वहीं हम बात करें प्रोडक्शन की, तो 21,557 टन टमाटर का प्रोडक्शन हुआ था, उत्पादन हुआ था 2016 और 17 में। और अगर हम बात करें 17-18 की, तो 789 हेक्टेयर हमारे पास जमीन थी, उसमें प्रोडक्शन हुआ है 22,320 टन का। वहीं हम बात करें 18 और 19 की बिल्कुल लेटेस्ट, तो 19.66 मिलियन टन का प्रोडक्शन हमारे पास 2018-19 में हुआ है टमाटर का। बात करें हम ब्रिंजल की, बैंगन की, सोलेनम मेलियोंजाना इसका बोटनिकल नेम है, और इसको एग प्लांट भी बोला जाता है। JET में पूछा गया है क्वेश्चन, क्या बोला जाता है, एग प्लांट भी इसको बोला जाता है। इसका जो एरिया था 2016-17 में वो था 733 हेक्टेयर, और प्रोडक्शन हुआ था 12,510 टन। और 2017 में इसका जो एरिया था 730 हेक्टेयर था, और प्रोडक्शन 12,801 टन का इसका प्रोडक्शन हुआ था। कहने का मतलब है 12,000,080, अगर आपको इसका मिलियन टन में उत्पादन देखना है तो आप इसमें जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप 1000 का भाग दे सकते हो, 1000 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका मिलियन टन निकल जाएगा। 2018-19 का डेटा हमारे पास नहीं है।
बात करें टोटल की सब्जियों का प्रोडक्शन कितना हुआ 2016-17, 18-19 में, तो बात करें 2016-17 में जो एरिया था, टोटल बात कर रहा हूँ मैं कुल सब्जियों का एरिया था हमारे पास 10,238 हेक्टेयर, वहीं जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 178,172 टन। बात करें हम 2017-18 की, तो जो एरिया था वो था 10,259, मतलब पहले से एरिया आपका बढ़ गया था, ठीक है, और प्रोडक्शन 184,394 इसका प्रोडक्शन हुआ था, टन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हमारे पास, मतलब एरिया भी बढ़ा और प्रोडक्शन भी बढ़ा था। 2018-19 का हमारे पास अभी फिलहाल डेटा नहीं है। बात करें हम फ्रूट्स की, अब हम बात करेंगे फ्रूट्स की, वेजिटेबल की हमने बात कर ली कि कौन कौन से वेजिटेबल का कितना कितना प्रोडक्शन कौन कौन से ईयर के अंदर हुआ है और कितना एरिया था। तो फ्रूट में हम बात करेंगे मैंगो की, जिसको किंग ऑफ फ्रूट बोला जाता है, नेशनल ऑफ फ्रूट बोला जाता है, मेंजीफेरा इंडिका, इसका जो एरिया था 2016-17 में वो था 2,112 हेक्टेयर, प्रोडक्शन हुआ था 19,506 टन का, और वहीं हम बात करें 17-18 की, तो 2,258 हेक्टेयर ज़मीन थी और प्रोडक्शन 21,822 टन का था। वहीं हम बात करें सीट्रस, तो सीट्रस का जो एरिया था 2016-17 में 985 हेक्टेयर ज़मीन थी और प्रोडक्शन 11,419 टन का था, और 2017-18 में जो ज़मीन थी 1,003 हेक्टेयर, प्रोडक्शन 12,546 टन। बात करें बनाना की, मूसा पेराडिसी का, तो बनाना का जो एरिया था 810 हेक्टेयर था, प्रोडक्शन 30,477 टन का हुआ, और 2017 और 18 में जो प्रोडक्शन था एरिया वो था 884 हेक्टेयर का और प्रोडक्शन हुआ है 30,808 टन का। बात करें एप्पल की, तो जो एप्पल है इसका एरिया था 2016-17 में 305 हेक्टेयर, प्रोडक्शन हुआ है 2,265 टन। वहीं हम बात करें 2017 और 18 की, तो एरिया 301 हेक्टेयर और प्रोडक्शन 2,327 टन। तो ये जो डेटा है, आप पहली बार इस डेटा को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कैसे याद करेंगे, लेकिन जैसे आप इस टेबल को बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको ये सारे के सारे डेटा बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। आप इनको और अच्छे से याद करने के लिए आप इसको मिलियन टन में याद करें। मिलियन टन में याद करने के लिए आपको सबसे पहले इस पूरी टेबल को कन्वर्ट करना है मिलियन टन में, मतलब 1000 से आपको डिवाइड करना है जो हमारा डेटा है टन वाला। बात करें टोटल फ्रूट्स के प्रोडक्शन की, कि 2016-17 और 17-18 और 18-19 में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल से पूछा जाता है, जैसे टोटल फूड ग्रेन्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी वेजिटेबल ऑयल सीड सुगर केन सब की, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो हमारी लास्ट वीडियो भी चल रही है करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर की, उन वीडियोज को जाकर जरूर देखें, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वहीं हम बात करें टोटल फ्रूट्स की, जो एरिया था 2016-17 में वो 6,373 हेक्टेयर था और इसमें प्रोडक्शन हुआ है 92,918 टन का। वहीं हम बात करें 17-18 की, तो एरिया था 6,506, मतलब पहले से आपका एरिया बढ़ गया और जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया, 97,358 टन टोटल प्रोडक्शन था फ्रूट्स का। तो ये हमने कुछ यहाँ से डेटा के इन्फॉर्मेशन यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनियन का प्रोडक्शन कितना था 2016-17 में, तो आपको याद रखना है कि इतने एरिया में इतना प्रोडक्शन था, क्योंकि AFO के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप और नहीं तो टोटल तो जरूर याद रखें कि टोटल कितना कितना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। हम बात करें फ्रूट्स की, जो 2004 और 2005 में जो एक तरीके से फल की उपलब्धता थी, फल उपलब्धता तो कितनी थी 133 ग्राम पर पर्सन पर डे की, एक दिन में जो फल की उपलब्धता थी 2004-05 में 133 ग्राम पर पर्सन पर डे थी, वो अभी फिलहाल 2015-16 का डेटा अगर हम देखें तो इसमें था 195 ग्राम पर पर्सन पर डे, ठीक है, मतलब पहले से जो उपलब्धता है वो बढ़ गई 195 ग्राम पर्सन पर डे हो गई। वहीं हम बात करें वेजिटेबल की, सब्जियों की कितनी उपलब्धता है, तो सब्जियों की उपलब्धता है 264 ग्राम पर्सन पर डे, और बात करें 2015 और 16 की, तो जो 2015 और 16 का, ये 2004 का डेटा है याद रखना, 2015
चार और पांच में जो सब्जियों की उपलब्धता थी वो कितनी थी, 264 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है। 2015-16 में कितनी हो गई, 355 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि कितनी एक तरीके से उपलब्धता है फल सब्जियों की। तो डेटा हमारे पास जो है 2004 और 5, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जो उपलब्धता है, आपको याद रखना है। वहीं हम बात करें टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया 2017-18 का, जो भी हमने देखा 2017 और 18 का टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया, हॉर्टिकल्चर के अंदर मतलब फल भी आ गई सब्जियां भी आ गई, ठीक है ना। तो टोटल हॉर्टिकल्चर जो एरिया था वो कितना था 2017 और 18 में, 25.66 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास टोटल एरिया था। और इसमें जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हमारे पास हुआ है वो हुआ है 300.64 मिलियन टन का। बात करें हम बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की 2018-19 में कितनी ज़मीन थी हॉर्टिकल्चर में, तो 25.87 मिलियन हेक्टेयर। और जो इसका प्रोडक्शन हुआ है पहले से बड़ा है, 314.87 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है 2018 और 19 में। आगे कुछ और फैक्ट की हम बात करते हैं, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन द वर्ल्ड। भारत एक ऐसा कंट्री है जो फल उत्पादन करने में दूसरी रैंक पे आता है। और यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि फर्स्ट रैंक कौन से कंट्री की आती है फ्रूट प्रोडक्शन में, फ्रूट प्रोड्यूसर में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। बात करें फर्स्ट कौन कौन से फ्रूट में फर्स्ट रैंक है इंडिया की, तो जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, सपोटा, चीकू को बोलते हैं, पोमग्रेनेट एंड आंवला, इनमें फर्स्ट रैंक है इंडिया की। वही हम बात करें सब्जियों की, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियां उत्पादित करने में इंडिया का सेकंड रैंक है, ठीक है। वहीं हम बात करें फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है चाइना की। किसकी है फर्स्ट रैंक, चाइना की है, आपको याद रखना है। इंडिया इज द सेकंड पोजीशन इन द प्रोडक्शन, सेकंड पोजीशन पे जैसे हम बात करें सब्जियों में, तो ब्रिंजल हैं, केबेज हैं, कॉलीफ्लावर हैं, अनियन हैं, इनमें सेकंड रैंक हैं इंडिया की वर्ल्ड में। बात करें थर्ड रैंक, तो थर्ड पे आता है पोटैटो एंड टोमेटो, जो आलू और टमाटर का उत्पादन है, इसमें तीसरा स्थान आता है हमारे इंडिया का। तो ये यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया इधर वाले, इन फैक्ट को बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2018-19 में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एरिया था, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। वहीं हमने लास्ट वीडियो में बात की थी टोटल फूड ग्रेन्स की, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल फूड ग्रेन्स 2018-19 में तो कितना था, 284.83 मिलियन टन का टोटल हमारे पास प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टोटल ऑयल सीड क्रॉप का भी प्रोडक्शन बताया था 2017 और 18 का, तो कितना था, 313.08 लाख टन था। आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ऑयल सीड 2017-18 में जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 313.08 लाख टन में, टन्स, आपको याद रखना है ऑयल सीड प्रोडक्शन की। वहीं हम बात करें शुगर केन की, तो जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन हुआ है 2017-18 में वो हुआ है आपके 3769.05 लाख टन का, ये लाख टन में है दोनों। और ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया 2017-18 का डेटा 284.83 मिलियन टन, वो है फूड ग्रेन का, टोटल फूड ग्रेन का। बात करें हम कॉटन की, तो कॉटन का भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोडक्शन बताया था 2017-18 का 348.88 गांठे, बेल्स हम इनको बोलते हैं। गांठे क्या होती है, हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जो कॉटन की एक गांठ होती है इसका वजन होता है 170 kg। ये क्वेश्चन जाने कितनी बार पूछा गया है, आपको याद रखना है कि कॉटन की एक गांठ का वजन 170 किलो होता है। वहीं हम बात करें जूट की एक गांठ का वजन तो 180 किलो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट जरूर कर ले अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ हॉर्टिकल्चर के डेटा थे, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और इंडिया। तो आप इन सबको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स का अधिक से अधिक एक तरीके से फ़ायदा हो सके, उनको हेल्प मिल सके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। और आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। जो डेटा है आपको अलग अलग मिल जाएगा, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस आएगा, बाकी हमारा जो डेटा है वो मैंने आपको एवरेज बता दिया है कि कितना कितना डेटा हमारे पास है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो सब MSP भी याद रखें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2018-19 की कि क्या प्राइस है, तो उसकी वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें कि कितना समर्थन मूल्य 2018-19 में रखा है गवर्नमेंट ने। और जिन लोगों ने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करा है, फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट में आपको बताता रहता हूं। तो ध्यान रखें, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके लिए अगले से अगले वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट कर सकते हो कि सर इस टॉपिक को हमें जल्दी से जल्दी पढ़ाए, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।